भैया को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन करो, लाइक करो। वेलकम बैक टू माय द ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे हो। मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम निकल रहे हैं अच्छे से राइड की ओर, जैसे जा रहे हैं रुद्रपुर पूरा, मतलब मेन चौराहे तक पूरा चौराहे घूम के आएंगे आज। और मतलब रुद्रपुर जा रहे हैं और कहीं भी जा रहे हैं हम, तो प्लीज़ ब्लॉग देखते रहना और कहाँ जा रहे हैं आपको पता लग ही जाएगा। तो मेरे साथ आया मैं और एच को तो दिखा होगा तो कितना बार, तो मैं और एच और मेरा साइकिल आया है, पैदल तो आ नहीं सकते इतना दूर, साइकिल लेके आया हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो साइकिल में निकलते हैं यहाँ से, तो आपको आगे भी मिलता है। ऐसे करते करते हम पहुँच चुके हैं आई मार्ट, देखते हैं अब जा रहे हैं दूर, बस पहुँचने वाले हैं जादूरनी और बस रेल पटक पार करेंगे फिर पहुँच जाएंगे रुद्रपुर। तो चलो आपको आज से कई लाइने मिलते हैं, फिर आपको वही दिखाते हैं, फिर आपको आगे मिलते हैं। यहाँ से फ्लैट निकलते हैं, आके देखो खतरनाक एकदम। और एक बात सुनो, और एच आई ब्लॉग ने एक नया ब्लॉग अपलोड किया है, जल्द चल उसे भी वॉचिंग करना। और मैंने अपलोड किया है संजीवन, उसमें देखा था मैंने हाथी बहुत बड़ा वाला, उसका आवाज़ सुना था मैंने, तो जल्द चल वॉचिंग करना उसे, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी मिल जाएगा। गेट तो बस एंटर करने वाले हैं और वह रेलवे फाटक सामने ही है बस, तो आपको अशोक आइलैंड में जाके मिलते हैं। हम सेकेंड अशोक आइलैंड पहुँच चुके हैं, मैं पहले वाले छुट्टी गया, वीडियो बना नहीं पाया, तो सेकेंड वाला ये, इसके बाद अशोक आइलैंड ख़त्म है, तो इसके बाद जाएंगे मटकुटा मोर पे आपको मिलते हैं। तो हेलो दोस्तों, हम पहुँचने वाले हैं मटकुटा मोर, तो डायरेक्ट आपको मटकुटा मोर से मिलते हैं, क्योंकि अगली बार मटकुटा मोर में 3-4 फैन ही मिले थे हमें, लेकिन मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, सॉरी। लेकिन इस बार मिला तो पक्का वीडियो रिकॉर्ड करूँगा मैं, फिर आपको मटकुटा मोर से मिलते हैं। मोड़ पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं ये है मटकुटा मोड़, तो यहाँ पे हाईवे है तगड़ा वाला। बिग फैन ब्रो। हाँ बिग फैन ब्रो, आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, आपका यूट्यूब चैनल है। हाँ तो चलो मैं सब्सक्राइब कर दूँगा, मैं तो फोन नहीं मिल रहा है। तो फोन घर पे छोड़ के आया हो? घर पे जाके कर दूँगा, तो मेरा फोटो चलो व्हाट्सएप में शेयर कर देना। चलो व्हाट्सएप में सेंड कर दूँगा मैं। चलो आपको मटकुटा मोड़ तो मिल चुके हैं, तो मैंने बोला था ना बहुत सारे फैन है मेरे, तो एक फैन तो आ चुका है, और सब फैन तो मुझे सोए हुए हैं, पता नहीं अभी तक तंगी सुबह के 7 बज रहे हैं, तब एक फैन मेरे को देख के उसने कहाँ से देखा चला आया भाग भाग के, तो चलो फोटो खींचते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो ऋषभ ऐसे लग ने चैलेंज ले लिया, वो सामने एक लड़का देख रहा है आगे चला रहे हैं, इसको अभी रेस में हराएंगे अभी। एकदम फुल स्पीड चल रहा है, साइकिल भी काफ़ी धीरे चल रहा है, मुझे नहीं आ रहा, अभी मैं चलाऊंगा साइकिल उठते उनके पीछे कर दूँगा, क्योंकि भाई अभी मेरे जलवा। तो ये ऐसे करते बिग गुजर बस पहुँच गए हैं बस जस्ट, और पास में ही है वो दिख भी रहा है बिग गुजर में दूर से, तो वो जो अंकल हैं उनको रेस लगा रहा था, लेकिन अंकल ने क्या किया रास्ता चेंज कर लिया, इसलिए मैं तो पक्का हरा रहा था, चल रहा था काफ़ी स्पीड में, इसलिए हो नहीं पाया। तो वो चलो बिग गुजर आज आ गए हैं बस, और थोड़ा दूर है बस, चलते रहो स्मार्ट हो यार। तो हम इधर ही सुनो बस, शाम जस्ट सामने ही है, तो लेकिन हम जा रहे हैं दूसरे लोकेशन पर, इसलिए एच एड वक्स बहुत थक चुके हैं, और थोड़ी देर लागे आके मुझे देगा साइकिल, फिर मैं भी चलाऊंगा, धूमते बना दूंगा पूरा दूर दूर तक एकदम। हाँ काफ़ी मज़ा आएगा। ये पानी पी रहे हैं? तो ये पानी नहीं है, तो ये है दारू, दारू जिसे बोलते हैं, एकदम मस्त वाला दारू, एकदम चिल्ड वाला दारू है, तो उस तरह सोडा तो डालने पड़ेगा। तो बन चुका है हमारा ताजा तुझा पैक एकदम मस्त तरह से, इधर पी भी लेते हैं, मज़ा आ गया पी के, और पी लेता थोड़ा। अरे बहुत ठंडा है ये, तो बहुत ठंडा है, मतलब ऐसे लग रहा है भूल लेता ना कोई आवाज़ पिएगा, फिर इधर पानी बहुत गर्म है, तो यहाँ तो यहाँ से दारू है, ठंडा है बहुत है, चलने वाला एकदम, तो आगे आपको आगे मिलते हैं आगे। तो गाइस हम हो चुके हैं सेकंड वाले चौराहे पे, फर्स्ट वाले चौराहे पे हम जाने वीडियो बनाए थे, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए चौराहे वाला, तो सेकंड चौराहे इससे कोई चौराहा नहीं आएगा, इसके बाद अपने लोकेशन में पहुँच जाएंगे डायरेक्ट सीधा। और देखो अभी 7:30 या 8 बजे बज रहे अभी, तो ऐसे भीड़ हो रहा है, 2-3 बजे कितना भीड़ होगा आप सोच सकते हैं, लगता आगे मिलते हैं। जंगल के इलाका देख सकते हैं,
और मैंने साइकिल यहाँ पार्क कर दिया। जंगल नहीं है, बगीचा है। सारी बगीचा है, आम का बगीचा है वो सारा, तो थोड़ा पढ़ना कर लेता हूँ इनको। तो चलो आप यहाँ से निकलते हैं, तो आगे से मिलते हैं। तो हेलो दोस्तों, तो हम इधर बगीचे में पहुँच चुके हैं हाईवे रोड पे, तो अभी पढ़ना करके निकल चुके हैं वहाँ से। तो यहाँ पे एक मोड़ है, तो मोड़ को क्रॉस करते ही बस अपने पहुँच जाएंगे अपने लोकेशन पर, ज़्यादा दूर भी नहीं। और प्रैंक वीडियो भी शूट हो सकते हैं, आते समय प्रैंक वीडियो शूट होगा तगड़ा वाला एकदम, फुल वॉचिंग करना। और यहाँ पे भी शायद शूट हो सकता है, लेकिन आप देखने जाओगे स्किप बिल्कुल मत करना। और आपको सिटी बाइक को फुल सपोर्ट दो और एच को भी सपोर्ट दो, क्योंकि हम दोनों लगातार ब्लॉग अपलोड करते रहें। आप खाली वॉचिंग करना, कुछ नहीं करना, खाली वॉचिंग, खाली वॉचिंग करना। ज़्यादा दूर नहीं रहा है, बस पहुँचने वाले अपने लोकेशन पर, क्योंकि काफ़ी दूर है एकदम। वो देख सको इधर आम बज गए, आम बगीचा एकदम तगड़ा वाला है एकदम, और एकदम दूर दूर तक आम बगीचा है। और लिप्टिस का पेड़ तो एकदम भरे पड़े हैं, इधर भी देखो लाइन से एकदम, और इधर भी, सॉरी पपलर का पेड़ है ये, लिप्टिस का नहीं पपलर का पेड़ है। तो आप आगे मिलते हैं, क्योंकि जब यहाँ बढ़िया रिएक्शन शुरू होगा वहीं पर मस्त होगा। रिएक्शन देखो वैगर की, पीछे मुड़ के देख रहे हैं। लोग देख सकते हैं ना, इधर 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 लेफ्ट, हाँ रुका रुका, मेरे को भी आन दो। तो मैंने बोल दिया मेरे भाई को कॉल करके, अभी आ रहा है उठते उठते एकदम, खतरनाक हुआ सीन होने वाला। तो चलो रिएक्शन चेक करते हैं उसका। ओ भाई साहब, प्रैंक हो गया आपके साथ, ये तगड़ा वाला प्रैंक हो गया इसके साथ, खतरनाक वाला सीन है इसके साथ। तो एकदम देख सकते हैं ये एच आई ब्लॉग, मेरे भाई कैसे चला रहे हैं एकदम फुल्ले के साथ, टायर मोड़ा है, चलाने का भी मज़ा आ रहा है, टी एस भी लगा रहे एकदम दोनों में, एकदम खतरनाक तरह चला रहे हैं। और मेरे भाई जब मेरे से चला रहे हैं, देख सकते हो ये, या रोड काफ़ी तगड़ा है एकदम। देख सकते हैं इधर थोड़ा घूम लिया थोड़ा, मैं और मेरे भाई ये ऋषभ एच आई डर, तो थोड़ा घूम लिया मामू के आके, थोड़ा घूम के वापिस जा रहे हैं घर की ओर। मतलब कहाँ आगे मिलते हैं, क्योंकि यहाँ का रिएक्शन कुछ तगड़ा वाला आ रहा है, कोई है ही नहीं शुक्रिया करता रिएक्शन क्या आएगा। तो इसलिए तो आप आगे मिलते हैं, क्योंकि अगर रोड भी थोड़ा ख़राब है ना, इसलिए था थोड़ा घूम घूम के यहाँ से निकल रहे हैं, वापस निकल रहे घर की ओर। तो मेरा साइकिल मैंने निकाल लिया, और एच वी आ रहा है, वो मेरा लेंस रह गया ना वाइड एंगल लेंस, तो वो लाने गया है अभी, अभी आएगा वो, फिर निकल के यहाँ से निकलेंगे, आन दो तब तक वेट करते हैं। तो मैं पहुँच चुका हूँ दूसरे लोकेशन पर, जो इसके मामा के घर से एकदम बहुत दूर आगे आ चुका हूँ। तो जा रहे घर में, धूप भी बहुत कड़क धूप है एकदम, तो पसीना भी तगड़ा वाला आ रहा है एकदम। तो बस साइकिल चेंज करने वाला हूँ ये सामने से, मेरे तो बहुत थकान हो गया है। तो मैं चैनल पर नया हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। बस चौरा ही में एक कौन चाह रही है पता नहीं, लेकिन उसके पास में एक पेट्रोल पंप ही है। मतलब आपको चौरे क्रॉस करके मिलते हैं, लेकिन उनको रिएक्शन तो चेक करो एक बार। रिएक्शन देखो गाड़ी इतना खतरनाक भीड़ है पूरा एकदम फुल पावर, काफ़ी स्पीड तकली हमारा। मैं थोड़ा बैठा हूँ, वो थकन हो चुके हैं, वो एच आई डब्लॉग वो खड़े हैं सामने, वो है सामने खड़े हैं, कि थोड़ा कोल्ड में लाने आ रहे हैं, तो वो थकन हो चुका है। तो जो कोल्ड लेके आता फिर हम पीते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं, पहले शाम दो फिर निकलेंगे। भूल ही गया, तो मतलब फर्स्ट चौरी वो क्रॉस कर लिया हमने, और सेकंड वाला चौरा आ रहा है। कुछ लोग वहाँ पे मतलब जाओगे ना तब रिएक्शन चेक करने, एकदम काफ़ी खतरनाक रिएक्शन आने वाला है। वो तो आज तो देख रहे हैं रिएक्शन करवाने आ रहा है, मैं ऐड कर डाल दूँ ऐड करके बढ़िया करके। तो आप खाली ब्लॉग के लिए फुल वॉचिंग करो, और फिर मत करो, फुल वॉचिंग करो। और अभी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, फिर आप मिलते हैं, देखते हैं कब तक चलाता है। अच्छा राइडर कोल्ड ड्रिंक लेके पता कौन सा बिल्ली बिल्ली पता कौन सा कलर है। तो ये
यार देखो ये है ब्लू स्ट्रिंग, ये है ब्लू स्ट्रिंग, तो कहीं मैंने पिया नहीं तो अभी पियेंगे, तो देखते हैं। और ये दो लिखे हैं और ये नमकीन आलू भुजिया, तो चलो खाते हैं फिर आपको मिलते हैं वापस। ये लोग ट्रैफिक देखो बोले रिएक्शन देखो काफ़ी मस्त है एकदम, देखो सब लोग देख रहे हैं। अरे भाई साहब ट्रैफिक क्या करो एकदम खतरनाक वाला ट्रैफिक लगा है। ट्रैफिक क्या करो खाली भाई खतरनाक वाला ट्रैफिक लगा एकदम। ओ भाई सामने देखो फॉर्च्यूनर एकदम तगड़ा वाला है, इसमें लोग बड़ा मस्त लगता है मेरे को, एक मैं भी पी लूँगा। दो में आया सबसे दिख रहा है मेरे को 0001 0005 0002 सब ऐसे दिख रहा है मेरे को, तो मेरे को आगे के मिलते हैं दिख भी जाएगा उस साइड मेरे को ट्रैफिक के पर एकदम। अरे अरे भाई साहब अरे बाहर साहब ओ भाई साहब ट्रैफिक ट्रैफिक आ सकते हैं। अरे भाई साहब टेम्पू वाला पता नहीं क्या कर रही है, बाबा रोक दे रहा है कभी चला नहीं पा रहा हूँ मैं अभी गिटेर से बच गया आगे। ये टेम्पो वाला फिर से आ गया तो मूड खराब कर देगा मेरा। अरे भैया रोके, अरे पीछे आ कर रहे हो पूरे भयंकर ट्रैफिक तो बहुत सारा है इधर भयंकर की, और एक के बाद एक आते जा रहा है सामने, लेकिन ड्राइवर कैसा है इधर देखो बिल देखो इसका, ये देखो कितना खतरनाक बिल एकदम। ओ भाई फॉर्च्यूनर क्या बिल, तो वैसे गाड़ी मस्त है पूरा बिल बिल कुमार गोली पर गाड़ी मस्त है पूरे भाई साहब। लाइक फॉलो भाई, एक भैया मिल गए थे हमें रास्ते में जो कि बोला कि हमें बोला कि दो बाल्टी पानी भर के लाओ, तो हम अभी दो बाल्टी पानी भर रहे हैं, तो कि जो कि हेल्प करने का हमारा कर फर्ज बनता है। तो अभी सीट देखो नल चढ़ा ले, ये देखो तो क्या भाई सबको मदद करना चाहिए, सबको मदद करनी चाहिए, क्योंकि बंदा दुकान में अकेला अपने शॉप पे अकेला था इसलिए कुछ करनी पड़ा, तो हम लोग को रोक के तो बोले जा दो बाल्टी पानी लेके आ तो हेल्प करते हमारी, तो इसलिए बहुत थकान हो रहा है, एक बाल्टी आधा ही फुलने हुआ अभी थकान हो गया हमारा अभी तो दो बाल्टी बचा हुआ है फिर तो काम कर देगा, एक नहीं मरोगे एक ऐसे मरेगा फिर मत लगेगा ना। वो भैया सब्सक्राइब करो बेल आइकन करो लाइक करो देखो बाइक फोन में भी अपना चैनल आए या तो क्या आ चुके हैं सीट वाइक चैनल हाथी का वीडियो भाई चलता हूँ फिर अभी मिलना ठीक है रुद्दूपुर में रुद्दू आने का यही तो फ़ायदा है, सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा ही मिलते हैं यहाँ पे इसलिए, तो वो मतलब भैया अकेले थे तो हमने उनका हेल्प कर दिया, तो उनने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया, वो आगे भी शेयर करेंगे, भैया ने खुद ही बोला जो आगे भी शेयर कर दूँगा, और भैया ने जो बोला प्लीज़ करना जो बोले लाइक एंड शेयर जरूर और सब्सक्राइब भी, और आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और एच रेडर को भी सब्सक्राइब करना फुल पावर साथ, क्योंकि उनका फ़ोन नहीं है ना पर्सनल फ़ोन, इसलिए ना आपको दिखाता है तो कुछ भी टाइम बाय टाइम ब्लॉग अपलोड करते दिखाता है, तो मेरा भी एक नया ब्लॉग आया है एलिफेंट वाला तो ज़रूर देखना उसे। मेन रोड के सामने क्या हो गया ख़राबी हो गया उधर, तो मेन रोड के सामने एकदम बीचों बीच थकान हो गया तू जलाएगा। हाँ चल ठीक है देखा जाएगा। तो ये है मटकोटा मोड़, बस यहाँ तक आए गए हैं आपसे बातें करते करते, क्योंकि यहाँ मौज मस्ती ज़्यादा हो रहा है रास्ते में, तो बस ऐसे चलना चाहिए मौज मस्ती देख सकते हैं, ऐसे डबल आपके खतरनाक कट मार रहे हैं ये देखो भाई साहब। अब देखो हमने रेल पटा आ गया, इधर जाम लग गया तगड़ा वाला, इधर पर रोड खाली है उधर पर जाम लगा पड़ा है, जब आगे मिलते हैं रेल पटा में जाके मिलते हैं।
देखो दूसरा कंपनी कौन सा कंपनी है, यहाँ अशोक लैंड का गाड़ी सब पार्क होता है। हाँ ये भी उसी का ही पार्ट है अशोक लैंड का भी। तो हमारे जो टैंकी है वो पेट्रोल से फुल हो चुका है, तो चलो अभी से निकलते हैं। तो पेट्रोल फुल हो चुका है तो आप चलेंगे गोली की स्पीड में, तो बस कांगड़ा पहुँचने वाले हैं हम, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो चलो यहाँ से निकलते हैं, फिर आपको अगले लोकेशन पर मिलते हैं। तो हम इधर अपने मतलब ये जो टावर है ना, ये है आइडिया टावर, और कालनगर पहुंच गए हैं हम, बस घर के पास में हैं। तो आप घर जाके मिलते हैं। होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि आपके मन वैसे मेरे ब्लॉग आते रहेंगे। तो कुछ जैसे रुद्धपुर जाता हूँ, किस ट्रिप जाता हूँ, हर बार मुझे सब्सक्राइबर कोई ना कोई मिल जाता ही है। तो मैं अगली बार चाहूँगा जो रुद्धपुर फिर से जाने के लिए, तो सब्सक्राइब तो बहुत सारे मिलेंगे, फिर फैन भी बहुत सारे हो जाएंगे मेरे, क्योंकि सो आएगा अपना। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आपने अगर हाथी का ब्लॉग देखा है तो प्लीज़ देख सकते हैं, ये हाथी का ब्लॉग अभी आ चुका होगा, तो अभी जल्दी वॉचिंग करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय।